कई किस्म के फोबिया होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ फोबिया रहता है। पवन कृपलानी की फिल्म फोबिया की नायिका महक को एगोराफोबिया है। इस फोबिया से ग्रस्त इंसान को अनजान एवं सार्वजनिक जगहों पर जाने से डर का एहसास होता है। महक के साथ एक टैक्सी ड्राइवर ने लूटपाट की थी और उसके बाद वह घर से बाहर निकलने में ही डरने लगी। उसका बॉयफ्रेंड शान उसका इलाज करवाता है पर कोई फायदा नहीं होता। शान अपने दोस्त के फ्लैट में महक को ले जाता है ताकि जगह बदलने से महक का डर कम हो, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ जाता है। घर में सुरक्षित महसूस करने वाली महक को घर में ही डर लगने लगता है। उसे तरह तरह की चीजें नजर आती है और स्थिति बद से बदतर हो जाती है। पवन कृपलानी द्वारा लिखी कहानी बहुत ही संक्षिप्त है और यहाँ पर सारा दारोमदार स्क्रिप्ट और निर्देशक पर टिका हुआ है। ऐसे सीन रचने होते हैं जो भले ही कहानी को आगे नहीं बढ़ाएं, लेकिन दर्शकों को बांध कर रखें। पात्र भी गिने चुने हैं, लेकिन पवन ने अपना काम बखूबी किया है। पहले हाफ में वे दर्शकों को बांध कर रखते हैं। कुछ दृश्यों में रोमांच पैदा होता है तो कुछ में डर लगता है। बिना तेज आवाजों, अंधेरे और खतरनाक चेहरों के दर्शकों को चौंकाया और रोमांचित किया गया है। साथ ही दर्शकों की इस उत्सुकता को बरकरार रखा है कि आगे क्या होने वाला है। दूसरे हाफ में जरूर फिल्म थोड़ी लंबी खींची गई है, लेकिन फिल्म के अंतिम 15 मिनट जबरदस्त हैं। कहानी यू टर्न लेती है और आप सीट से चिपक जाते हैं। स्क्रिप्ट में सबसे बड़ी खामी यह है कि जब महक को डर लगता है तो उसे अकेला रखा ही क्यों जाता है? जब उसका इलाज चल रहा होता है तो उसके पास चाकू क्यों होता है? तकनीक रूप से फिल्म मजबूत है। बैकग्राउंड म्यूजिक का उम्दा इस्तेमाल किया गया है। जरूरी नहीं है कि तेज आवाज से ही डर पैदा होता है। पानी टपकने या चीजों के गिरने की आवाज भी भय पैदा करती है। इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसके कलाकारों का अभिनय। राधिका आप्टे ने कमाल का अभिनय किया है। एगोराफोबिया से ग्रस्त लड़की का भय उन्होंने बखूबी दिखाया है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें खूब बोलती है। हर दृश्य में उनका दबदबा नजर आता है। सत्यदीप मिश्रा अपने अभिनय से प्रभावित करते हैं। महक की पड़ोसी के रूप में यशस्विनी का अभिनय भी उम्दा है। साइकोलॉजिकल थ्रिलर फोबिया देखने के बाद आप महसूस कर सकते हैं कि आपने एक अधपकी कहानी पर आधारित फिल्म देखी है, लेकिन इस बात की तसल्ली होती है कि फिल्म ने आपको रोमांचित किया है। इस फिल्म को मैं 5 में से 3 स्टार देता हूँ।